खराब खानपान और अनकंट्रोल लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कंडीशन को ही हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब आपके शरीर में बैड फैट बढ़ जाता है तो ये नसों में जाकर जम जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल में मरीज को खान पान का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज मक्खन खा सकते हैं या नहीं। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को सैचुरेटेड फैट वाले फूड्स का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। डाइटिशियंस के मुताबिक हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को मक्खन और घी का सेवन बहुत कम मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि घर पर तैयार किया मक्खन या घी का सेवन ही करें। घी और मक्खन का ज्यादा सेवन करने से शरीर में संतृप्त वसा बढ़ सकती है, यानी सैचुरेटेड वसा बढ़ सकता है, और इससे हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या और ज्यादा सीरियस हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में मरीजों को फैटी ऑयली और मसालेदार खाने से बचना चाहिए। इस परेशानी में दाल, ताजा सब्जियां, ड्राई नट्स, हाई फाइबर डाइट का सेवन करें। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से हाई कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का लेवल 100 mg/dL से कम होना आम माना जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर 130 mg/dL से ज्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सीने में दर्द और बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, अचानक से घबराहट होना, अचानक दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में लगातार थकान और सुस्ती बने रहना, अचानक से शरीर के बाएं हिस्से में दर्द होना, मतली और उल्टी की समस्या होना। तो हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। इसके अलावा डाइट में फाइबर, विटामिन और मिनरल से युक्त फूड्स शामिल करें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे भी कंट्रोल करें। रोजाना हाई फाइबर फूड, सब्जियां और फलों का सेवन करें। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण दिखने पर सबसे पहले आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।